टीजीटी आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हिम्मत शाह का जन्म कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1933 लोथल गुजरात, ऑप्शन बी 21 जून 1935 लद्दाख जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी 11 मई 1934 गाज़ियाबाद नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 22 जुलाई 1933 लोथल गुजरात। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हिम्मत शाह ने अपना स्टूडियो कब और कहाँ खोला? ऑप्शन ए 2004 ईस्वी नई दिल्ली, ऑप्शन बी 2006 ईस्वी मुंबई, ऑप्शन सी 2000 ईस्वी जयपुर, ऑप्शन डी 2008 ईस्वी शिमला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2000 ईस्वी जयपुर। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हिम्मत शाह के प्रारंभिक गुरु निम्न में से माने जाते हैं? ऑप्शन ए विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन बी माधव सातोलेकर, ऑप्शन सी शारदा चरण उकील, ऑप्शन डी जग्गू भाई शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जग्गू भाई शाह। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। मस्तक मूर्त शिल्प किस मूर्तिकार की है? ऑप्शन ए हिम्मत शाह, ऑप्शन बी विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन सी मृणालिनी मुखर्जी, ऑप्शन डी राम किंकर बैज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिम्मत शाह। चलिए पढ़ते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हिम्मत शाह ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ऑप्शन ए मद्रास कला विद्यालय, ऑप्शन बी MS विश्वविद्यालय बड़ौदा, ऑप्शन सी सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, ऑप्शन डी कलकत्ता कला विद्यालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। चलिए बढ़ते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का पुरस्कार हिम्मत शाह को कब मिला? ऑप्शन ए 1962 ईस्वी, ऑप्शन बी 1963 ईस्वी, ऑप्शन सी 1964 ईस्वी, ऑप्शन डी 1965 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1962 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ। वह कौन सा कलाकार है जिसने एतेलिए 17 में अध्ययन किया? ऑप्शन ए राम किंकर बैज, ऑप्शन बी असित कुमार हल्दर, ऑप्शन सी विनोद बिहारी मुखर्जी, ऑप्शन डी हिम्मत शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हिम्मत शाह। चलिए पढ़ते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ। वह कौन सा कलाकार है जिसने टेराकोटा माध्यम में अत्यधिक कार्य किए? ऑप्शन ए हिम्मत शाह, ऑप्शन बी गुलाम रसूल संतोष, ऑप्शन सी बाहु समर्थ, ऑप्शन डी ज्योति स्वरूप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिम्मत शाह। चलिए बढ़ते हैं अपने नवे क्वेश्चन की तरफ। हिम्मत शाह व्यावसायिक दृष्टि से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए चित्रकार, ऑप्शन बी मूर्तिकार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। चलिए बढ़ते हैं अपने दसवें क्वेश्चन की तरफ। हिम्मत शाह की कला मूल रूप से किससे प्रभावित थी? ऑप्शन ए भारतीय लोक कला, ऑप्शन बी पश्चिमी लोक कला, ऑप्शन सी ब्रिटेन की लोक कला, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय लोक कला। चलिए बढ़ते हैं अपने ग्यारहवें क्वेश्चन की तरफ। हिम्मत शाह ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली में रहते हैं और किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? ऑप्शन ए पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन बी मरुस्थलीय क्षेत्र, ऑप्शन सी गढ़ी क्षेत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन सी गढ़ी क्षेत्र। चलिए बढ़ते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। हिम्मत शाह को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से कब सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए 2003 ईस्वी, ऑप्शन बी 2005 ईस्वी, ऑप्शन सी 2007 ईस्वी, ऑप्शन डी 2009 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2003 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। हिम्मत शाह की मूर्तशिल्प मस्तक किस माध्यम में बनी है? ऑप्शन ए प्रस्तर, ऑप्शन बी कांस्य, ऑप्शन सी टेराकोटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टेराकोटा। चलिए बढ़ते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। किस चित्रकार के चित्र पश्चिमी चित्रकार पिकासो के गवर्निका चित्र की याद दिलाते हैं? ऑप्शन ए हिम्मत शाह, ऑप्शन बी गुलाम मोहम्मद शेख, ऑप्शन सी रामचंद्र नायर, ऑप्शन डी दिनकर कौशिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिम्मत शाह। चलिए बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। हिम्मत शाह फ्रेंच स्कॉलरशिप पर कब फ्रांस गए? ऑप्शन ए 1965 ईस्वी, ऑप्शन बी 1966 ईस्वी, ऑप्शन सी 1967 ईस्वी, ऑप्शन डी 1968 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1967 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। हिम्मत शाह ने किन किन विधाओं में कार्य किया? ऑप्शन ए भित्ति चित्र, ऑप्शन बी रेखांकन, ऑप्शन सी फोटोग्राफी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। हिम्मत शाह चांदी के कार्य की बहुत प्रशंसा करते थे और उन्हें कौन सा रंग बहुत पसंद था? ऑप्शन ए सोने का रंग, ऑप्शन बी पीतल का रंग, ऑप्शन सी चांदी का रंग, ऑप्शन डी लाल रंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चांदी का रंग। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिससे आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।